नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बेहतरीन सबसे अच्छे दो फंगीसाइड के बारे में। और ये दोनों ही फंगीसाइड अपने आप में बेस्ट हैं, दोनों का ही रिजल्ट बहुत ही शानदार है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इनके बारे में आपको जल्दी से फटाफट बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हमने लिया है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि अपने आप में बहुत ही पॉपुलर फंगीसाइड है। काफ़ी ज़्यादा किसान भाई इसको यूज करते हैं और ये बहुत ही अच्छा नियंत्रण करता है फंगस के ऊपर। इसका पूरा नाम होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्मुलेशन के अंदर ये आता है। तो एक प्रकार का ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट की यदि हम बात करें तो जैसे कि आप यदि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करते हैं तो ये जिस पत्ते के ऊपर स्प्रे लगती है तो उसी पत्ते की फंगस मर जाती है। यानी कि जैसे ही कोई भी फंगस इसके कॉन्टैक्ट में आती है तो वो तुरंत ही मर जाती है। दोस्तों, ये जो है कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है, इसी वजह से हमें इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है और फंगस के ऊपर ये बहुत ही कम समय में नियंत्रण कर लेता है। और इसके साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन का नाम आपने सुना होगा, तो ये एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। तो स्टेप्टोसाइक्लिन भी इसके साथ में डाला जाता है। स्टेप्टोसाइक्लिन जो है सिस्टमिक तरीके से काम करता है और ये एंटीबैक्टीरियल यानी कि जो बैक्टीरिया के कारण जितनी भी समस्या, जितने भी रोग, जितनी भी बीमारी आपकी फसल के अंदर होती हैं तो उन सभी के ऊपर लगभग ये कंट्रोल कर लेता है। ये इसकी खास बात होती है। इसीलिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में हमेशा स्टेप्टोसाइक्लिन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण आपको दोगुने फायदे मिल जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि इस समय पर कपास जैसी फसलों में इस समय पर आकर जो है बरसात के समय में उखेड़ा वगैरह की समस्या आती है, तो खासकर स्टेप्टोसाइक्लिन जो है उखेड़ा की समस्या के ऊपर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। इसलिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और इसकी डोज की यदि हम बात करें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की डोज रहती है 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ में, और इसके साथ ही स्टेप्टोसाइक्लिन की डोज यहां पर 6 ग्राम, केवल 6 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। और 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ आपको इन दोनों का मिलाकर छिड़काव अपनी फसल के अंदर करना चाहिए। दोस्तों, ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है ये कई कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है। जैसे कि मैं बात करूं टाटा की, तो टाटा का ब्लिटोक्स 50W के नाम से आता है। इसके अलावा सजेंटा कंपनी का जो ब्लू कॉपर आता है, तो ब्लू कॉपर भी एक प्रकार से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही होता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग और भी कई कंपनियों के अलग अलग नाम से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में बात आती है कार्बंडाजिम और इसके साथ में मैनकोजेब की। कार्बंडाजिम जो है एक प्रकार का सिस्टमिक फंगीसाइड है। सिस्टमिक की बात करें तो ये पौधे के अंदर तुरंत ही फैल जाता है पत्तों के द्वारा, और पूरे पौधे के अंदर इसका असर हो जाता है, जिससे कि ये छुपी हुई फंगस को भी आसानी से मार सकता है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। लंबा रिजल्ट इसका हमें खासकर देखने को मिलता है। और इसके साथ में ही मैनकोजेब का इस्तेमाल किया जाता है। मैनकोजेब एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया है, तो ये कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है और तुरंत ही फंगस के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, ये जो कार्बंडाजिम और मैनकोजेब है ये दोनों का मिक्स कम्बिनेशन आता है। इसमें कार्बंडाजिम 12%, इसके साथ में मैनकोजेब आपका 63% पाया जाता है। और ये सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट मिलकर दोनों प्रकार से बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें फसल के ऊपर देते हैं। और यदि इसकी कंपनी की बात करें तो बहुत सी कंपनियां वैसे तो अलग अलग नाम से अपना प्रोडक्ट ये दोनों कम्बिनेशन में बेचती हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो पॉपुलर है वो UPL का साफ के नाम से एक फंगीसाइड आता है। उसके अंदर यही सेम टेक्निकल, इतनी ही फॉर्मुलेशन, इतनी परसेंटेज के अंदर पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर फंगीसाइड है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी ये दोनों ही कम्बिनेशन पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी कंपनी का भी आप ये कम्बिनेशन लेकर यूज कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर से 200 लीटर पानी की मात्रा के साथ आपको इसका यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसके द्वारा भी फंगस के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही फंगीसाइड बहुत ही अच्छे हैं, दोनों का ही रिजल्ट बहुत शानदार है और आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आपकी फसल में बहुत ही ज़्यादा फंगस का अटैक हो, यानी कि पानी सिर से ऊपर चला गया हो, तो उस समय पर आपको यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ में ही स्टेप्टोसाइक्लिन का भी यूज इसमें करना चाहिए। इन दोनों को मिलाकर यदि आप यूज़ करते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है बहुत ही कम समय में शानदार रिजल्ट देता है, इसलिए आपकी फंगस के ऊपर बहुत ही जल्दी नियंत्रण कर लेगा।
इसके अलावा दोस्तों, जब आपकी फसल में फंगस के शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो उस समय पर कार्बन डाइऑक्साइड और मैनकोजेब का मिक्स कम्बिनेशन जो आता है इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से ये फंगस के ऊपर कंट्रोल भी करता है और लंबा रिजल्ट भी देखने को इसका मिलता है। क्योंकि फंगस का अटैक जब ज़्यादा हो जाता है तो इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा फंगस होने की कंडीशन में भी आप कार्बन डाइऑक्साइड और मैनकोजेब डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन ज़्यादातर आपको ज़्यादा अटैक होने की कंडीशन में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप इसी प्रकार से खेत किसान से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी समय समय पर देखते रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।